हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड, जैसे कि सर्दी का मौसम है और कुछ ना कुछ प्रोटीन से भरा हुआ अच्छा सा होना चाहिए, तो क्यों ना हम कुछ डेजर्ट तैयार करें। तो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं भुने हुए चने से हम बर्फियाँ, जो कि बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं। तो प्रोटीन से भरी हुई बर्फियाँ तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं यहाँ पर भुने हुए चने। ये मैंने 1 कप लिए हैं और इसके जितने भी पॉसिबल हुए वो मैंने छिलके निकाल लिए, थोड़े से और निकालेंगे। और ध्यान रहे कि जो चने हम ले रहे हैं वो बिल्कुल फीके चने ले लेने हैं। तो 1 कप चने जो हमने ले लिए भुने हुए, इनके छिलके निकालने के बाद हम इसको बारीक पीस लेंगे बिल्कुल आटे की फॉर्म में। तो छिलके निकाल कर इसको पीस लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत छिलका रह जाए तो कोई बात नहीं है, बट अभी हम इसे पीसना है और पीसने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो ये बारीक हमारा आटा रेडी हो गया है और इसको हमने छान भी लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं अपनी कढ़ाई या पैन, जिसमें भी आपने बनाना है, और उसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। लगभग 1/4 कप डाल दीजिए आप या उससे थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे मैं लगभग 4 से 5 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ और साथ में डालेंगे हम अपना चने वाला आटा। तो इसको हम लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे चने भुने हुए हैं। तो हम इसको हल्का सा ही भूनेंगे। तो घी मैंने लगभग 4 से 5 टीस्पून डाल दिया है और इसको अभी हम भून लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं करना है। चलाते हुए लम्स फ्री, इसमें कोई गांठे ना हो। तो इसको हमने चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लिया है। अच्छी खुशबू आ रही है, ज़्यादा घी बिल्कुल भी ना डालें। लगभग 4 से 5 टीस्पून ही हमने इसमें घी डाल दिया है। बाकी आप अपने जो आपका कप है उसके हिसाब से मेज़र कर लें कि हमें इसी तरीके से डालना है। और चलाते हुए हमने भून लिया है, ज़्यादा इसमें टाइम भी लगता है, 1-2 मिनट में ही हमारा भून जाता है। लो फ्लेम पर गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गांठे हैं तो आप इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद छान लीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने प्लेट में डाल लिया है और अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे जो 1 कप हमने लिया था चना, तो हम इसमें 1/2 कप ले रहे हैं शुगर। 1/2 कप से थोड़ा सा कम हम इसमें चीनी ले रहे हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1/2 कप से आधा ही हमें इसमें लेने हैं चीनी, वो सॉरी पानी। तो अब क्या करेंगे, हम चीनी को मेल्ट होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं। जब तक चीनी मेल्ट होती है, तो हमने ले लिया है एक ट्रे को और इसको हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप जिसमें भी सेट करें आप उसको ग्रीस कर लीजिए। इसको साइड रख देते हैं, चलते हैं हमने चीनी की तरफ। चीनी अच्छे से हमारी मेल्ट हो गई है। गैस की फ्लेम हम करेंगे थोड़ी तेज और हमें इसकी एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तो चेक कर लेते हैं, एक तार की चाशनी तैयार हो गई है और इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं जो हमने घी में चने का आटा भुना था, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको चलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो गैस की फ्लेम लो रखेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है और थोड़ी हम गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर लेते हैं और इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू, जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, यानी एक साथ इकट्ठा ना होने लगे। तो हम इसको चलाते रहेंगे और मोस्ट ऑफ आप देख रहे हैं कुछ ही मिनटों में ये हमारा इकट्ठा होने लगा है। अच्छे से ये हमारा इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब ये हमारा सेट होने के लिए रेडी है। तो इसको हम डाल देते हैं अपनी ग्रीस की हुई प्लेट में या ट्रे में, तो डाल देते हैं। तो मैंने ट्रे में डाल दिया है और अच्छे से हमने इसको दबाते हुए फैला दिया है। और अब डाल रहे हैं यहाँ पे हम बादाम की कतरन, साथ में मगज के बीज, आपको जो पसंद हो वो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। तो मैंने डाल दिए हैं और अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको प्रेस कर लेंगे। आप किसी भी बाउल से या फिर स्पून से इसको प्रेस कर दीजिए इस तरीके से, ताकि अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए और मनपसंद पीसीज में हम फिर तब कट करेंगे। तो अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं। बर्फी अच्छे से सेट हो गई हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पर है काफ़ी सर्दी, तो सर्दी से थोड़ा जो घी होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मनपसंद साइज़ में अपने कट कर देते हैं। तो ये हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है और इजीली निकल गई है जैसे कि आप देख रहे हैं।
तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और फटाफट बन जाती है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारे भुने हुए चने की बर्फी बनकर तैयार हो गई, जो कि बहुत ही टेस्टी और फटाफट बन जाती है और साथ ही प्रोटीन से भरपूर है। तो क्यों ना इस सर्दी में इसको बनाया जाए, और आप इसको एयरटाइट कंटेनर में रखिए और 10 से 15 दिन बड़े मज़े से खाइए। तो चलिए शुरू कर लीजिए आप भी बनाना। तो और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।